हमारी सिमुन आई नहीं है तो आज ये वीडियो भी नहीं बनाई थी। और देखो मेरा हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसा लग रहा है, बहुत मेहनत। इसकी तबीयत ना बताइयो, किसकी तबीयत? इसका खराब बुखार हो रहा है। सॉरी दोस्तों, आप लोगों की वजह से मुझे पता चल गया इसको फीवर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? फिर भी हम उसको अवॉइड करेंगे, ज्यादा किसी को ये नहीं बोलना चाहिए फीवर हो रहा है, फीवर हो रहा है। तो अपने आप में ज्यादा भाव खाता है और हम क्यों खाने दें भाव। तो आप लोगों को मेरे ये चश्मे कैसे लगते हैं? ये इसको मैं नहीं मैं बता देती हूँ इसको मैं क्यों टांग के रखती हूँ हर वीडियो में। आंखें बड़ी बड़ी नहीं लगती, एक तो इससे मैं सुंदर लगती हूँ, पर बहुत से लोग हंसेंगे ही। पर ऐसा बताऊं बात सीरियसली क्या है, इधर मैं अपनी मम्मी को बुलाना चाहूंगी सिर्फ और सिर्फ इस चश्मे के लिए। इधर आई मम्मी, देखिए इस औरत ने 2300 रुपए का ये फ्रेम लिया था। मैं ये बताना चाहती थी आप लोगों को, 2300 रुपए का फ्रेम लिया था, इसलिए मैं इसको इतनी संभाल के रखती हूँ। तो 2300 रुपए की कुछ तो वैल्यू करनी चाहिए ना, इसलिए मैं इसको टांग के रखती हूँ ऐसे। क्यों ब्रो? भाई साहब सब बिजी है अपने अपने गेम में और मैं अपने ब्लॉग में। अच्छा लग रहे हैं ना मेरे हेयर्स? मुझे तो बहुत पसंद आ रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? आज मैंने क्या क्या काम किया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, देखो आप। तो मैंने आज ना एक वीडियो डाली है सुजानू, तो आप लोगों ने देख ली वो? तूने देख ली? कौन सी वजह से? मोदी सर के लिए मैंने कुछ मैसेज देख लिया। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिए। और ये हेयर स्टाइल मैंने कैसे बनाया है तो आप उसमें समझ जाओगे ये हेयर स्टाइल कैसे बनाया। ना इसमें मैंने कोई कर्ल वाली मेरे पास ना कोई तो प्रेसिंग मशीन है, तो उसी से मैंने हेयर स्टाइल बनाया। तो आपको वो वीडियो जाके देखनी पड़ेगी कि ये हेयर स्टाइल कैसे बनाया। सो चलते हैं, बाहर का भी जायजा ले लेते हैं क्या चल रहा है बाहर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप भी सोच रहे होंगे कि वो सिमू ऐसे क्यों खड़ी हुई है। तो आज इसको ना मतलब मन नहीं लग रहा है इसका घर में, तो इसलिए आज इन्हें नहाए भी नहीं है। नहाके भी जाना का है, जाना तो मुझे भी करना पड़ेगा। नहाए भी ये भी नहीं है, ये तो चमक के बैठ गई है ना, ये मेरी पोर खोल रही है। बेशरम लड़की, शर्म नहीं आ रही बड़ी बहन की ऐसे इज्जत करते हैं। तो भी तो छोटी की बेइज्जती कर रही है बिल्कुल ही, मेरे को डुबा के रखी लुटा के। तो छोड़िए ये बात, क्या चल रहा है? लॉकडाउन चल रहा है, नाओ चना ना क्या मायने रखता है। वैसे मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ अच्छी लग रही हूँ, मेरे को अपने आप में अच्छा लग रहा है। अब बहुत से लोग तो मेरा मजाक ही बना रहे होंगे वीडियो में, आई नो, पर क्या करें। मन भाया या जग भाया? मन भाया। कौन भाया, किसको भाया? मतलब मैं अपने आप को ही भाग गई। अच्छा, ये सड़े से बाल बना के मैंने बता दिया सबको कैसे बनेंगे ये बाल। अच्छा, आज देखो सीमू बिल्कुल पढ़ने वाली बन रखी है। आज जिसने टीवी में लगाया हुआ है कुछ अपना पढ़ने के लिए, जो ये मतलब वहां से आराम से सीख सके, तो आज यह मेरा ना व्लॉगिंग में बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। क्या पता इसने मेरा साथ तो नहीं छोड़ दिया। कुछ कहना चाहोगे आप बता दो, साथ अगर छोड़ दिया हो तो। ये मुझसे लड़ती है, मुझे बोलने भी नहीं देती, और वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे चैनल को। मैंने बोल दिया, कमेंट करे। अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरे चैनल को के साथ में जो जब सब्सक्राइब करोगे ना, जब कह रही हूँ, जब सब्सक्राइब करोगे ना उसके साथ में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस पर घंटा जरूर बजा देना, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ओके, जो भी चीज आज क्या रोज डेली जो भी चीज बाहर से लेके आ रहे हैं उसको अच्छे से सैनिटाइज करके इधर रख देते हैं, तो इधर हमने और दो तीन दिन बाद उसको यूज करते हैं और धूप में अच्छे से रहने देते हैं। तो ये भी, इसको भी 2 दिन हो गए रखे हुए, इसको 1 दिन हो गया, रोज डेली उठा के भी रख देते हैं, फिर वापस से यहीं पर रख देते हैं। तो मौसम देखो, किचन हमारे घर ही हो गया।
मम्मी भी मेरी तरह देखना चाह रही थी, यहाँ पीछे मुड़ गई हूँ गर्दन कर। आओ मेरी मम्मी का मन नहीं कर रहा अंदर जाने का, रो रहे हो? रोंगी क्यों होता? मेरी मम्मी ऐसी करती है पता नहीं। हम तो भैया ऐसे ही है, गांव के लोग हैं, गांव के लोग हैं। हम शायद बताया नहीं होगा वीडियो में हमने, और क्या। मेरी मम्मी तो खेत वगैरह में भी जाती थी, हमारे खेत थे पहले, अच्छा लगता था, हमारे भैंस भी थी। एक बार ना मेरी एक मौसी है, शायद मेरी मौसी को वो बात याद नहीं होगी पर मैं बता रही हूँ, पता नहीं किरण मौसी थी या पूरन कह रही हूँ, पूनम मौसी थी, उन्होंने ना मेरे को ना उस पर बिठा दिया था भैंस के ऊपर, और मैं भैंस के ऊपर से गिर गई। मैं वहां पर रुकने गई हुई थी तो तब मेरे साथ ऐसा सीन कर दिया था मेरी मौसियों ने, शायद उनको याद ना हो तो मैंने याद दिला दिया है। वो भी तो ज्यादा बड़ी थी, छोटी थी। मेरी नानी ना भैंस रखती थी, भैंस रखती थी, तो ना मेरी नानी ना हमें मक्खन निकलता है जो नूनी घी बोलते हैं जिसको, तो वो देती थी। पीछे ना कुरड़ी समझते हो, पीछे खाली प्लाट था, कुरड़ी पीछे खाली प्लाट पड़ा था, खाली प्लाट था। आप लोग बोलते थे जब कुरड़ी, तो हम तो कुरड़ी बोलेंगे ना भाई, गांव में तो ऐसे ही बोल देते हैं, गांव में तो जहाँ पर सब लोग गोबर वगैरह डालते हैं ना, इकट्ठा करके तो उसको कुरड़ी बोलते हैं। मेरी मम्मी को अजीब लग रहा है कि मैं मतलब ऐसी वाली बात बता रही हूँ, तो हम क्या कहते हैं गांव में, दिल्ली में सब गांव के लोग रहते हैं, तो मैं ये बता रही थी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है गांव में जाना, गोबर का काम करना, भैंस का काम करना। मैं एक ज्योति ब्लॉगर ब्लॉग देखती हूँ, हाँ, मुझे उसका घर बहुत अच्छा लगता है, उसका काम करना बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत सीधी है बेचारी, बहुत अच्छी लगती है। फिर भी उसके बस यही काम, ये घर और उसका काम देखने के लिए उसे देखती हूँ, वो अच्छी है, बहुत सीधी है, ये बहुत अच्छी लगती है। उसमें ऐसा लगता है जैसे कि हम पहले कभी रहते थे अपने गांव में, भैंस का काम करना, दूध निकालना। तो मैं जो बता रही थी कि मेरी नानी ना जब हमें नूनी घी देती थी ना, तो हमें ना मतलब खा नहीं पाते थे इतना ज्यादा, क्योंकि हम बहुत कम खाना खाते हैं, मतलब आधी रोटी खा पाते थे और आधी जो बचती थी ना वो वहां पर फेंक देते थे यानी कि कुरड़ी पे। अभी भी कितना खाते हो तुम लोग? अब तो हम ज्यादा खाते हैं, अब तो मैं सुबह के पराठे बहुत मोटे बनाती हूँ इसलिए खा लेते हैं, एक पराठा हो गया तो उसमें लोग दो हो गए। मैं मम्मी ने आज रात खोल दिया। मैं क्या दुकान वाली बना ली, इसने दे देना एक बिस्किट पीछे से, दे दे मेरे बाल छोड़ो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? तारों को देख रहे हैं कितने अच्छे तारे निकले हुए हैं, बहुत टाइम, बहुत ठंडा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा है, सुन रहे हो? और क्या, मौसम अच्छा रहने लग गया है आजकल और तारे भी दिखने लगे हैं, पहले खुला खुला सा। आज मैं लॉकडाउन तोड़ दिया, मैं भी गई हूँ डॉक्टर के यहाँ पे, वहाँ पे रोड पे देखा तो बहुत सुनापन था। नहीं मम्मी ने ना कोई लॉकडाउन नहीं तोड़ा है, जिनको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है वो बाहर जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग घर में रहेंगे। मैं भी तो कोई लॉकडाउन नहीं तोड़ा है, हम लोगों को तो मतलब हमें तो इतना ज्यादा टाइम हो गया बाहर निकले हुए, कितना टाइम हो गया, लास्ट हम 20 दिन हो गए, मैं बता भी नहीं सकती, देना से मेरा जाने का इतना शौक है, मैं क्या बताऊं, ले 20 का घर में रहना अच्छा ही नहीं लगता। मम्मी के पास सुन लो, मैं इससे पैसे ले लूं, 20 रुपए दे। देख रहे हो, मैंने अभी भी बोला कि हम इसको काफी टाइम तक रखते हैं, और इसने जब भी अपनी बहन इधर रहती है, मैं अपनी बहन के पास भी नहीं जा रही, मेरे को वहां जाने में बहुत अच्छा लगता था। मेरी गुड़िया भी छुट्टी हुई है, छुट्टियां पड़ी हुई है, गुड़िया आती है हमारे यहाँ रुकने के लिए, वो भी नहीं आ पा रही है, और क्या नाम है उसके वगैरह में बहुत अधूरा सा लगता, वो आ जाती तो हमारी कंप्लीट फैमिली हो जाती है, वो हमारे ना फैमिली का पार्ट हो गई है। हाँ क्योंकि
जब भी वो हमारे घर पे आती है तो मेरी मम्मी का जो मुरझाया चेहरा देख रहे हो ऐसे खिल उठता है जैसे कि पता नहीं कोई परी आ गई हो, वैसे वो हमारी एंजल ही है। हाँ, मैं उसकी सब बातें सुनती हूँ, वो मुझे मतलब मम्मी हमारी बात नहीं सुनती, सच्ची बात है, मम्मी हमारी उसकी बात सुन लेगी। हम बोलेंगे ना मम्मी नीचे हो ना 10 रुपए का कुरकुरे ले आना, लाएगी नहीं मम्मी हमारे लिए, और वो बोलेगी ना मम्मी जब भी ले आती है। वैसे अब मैं जैसे जब से मैं अभी बड़ी सी हो गई हूँ ना, पहले मम्मी मुझे ओएस खाने नहीं देती थी, बल बल छुपके खा लेती थी, और अब जैसे मम्मी कभी दूध वूध लेने जाती है मैं बोल दूंगी मम्मी 5 रुपए के ना ओएस ले आना, तो मम्मी अब ला देती है। पहले नहीं दिलाती, लड़ो लड़ो यहीं पे ही लड़ो मारो भाई मुझे मारो, बहुत अच्छा नहीं है ना इसका ना टेस्ट कुछ अच्छा है। मैं कैमरे में बोल रही थी ये मतलब पीछे से ना इतने बिस्किट खा गए, मेरे को 2 ही मिले। आपको कितने दे? क्या एक ही दिया मम्मी ने, उसको धीरे धीरे खा रही, धीमे धीमे खा रही सारे चुपचाप हो गए, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अभी वो खाए ना बिस्किट, इसलिए इतना सन्नाटा है भाई। हाँ मेरे को एक बात पूछनी थी, जो अभी वीडियो डली है सुबह वो कैसी लगी? कल कल डली है, अभी आज सुबह डली है जो, तो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना, क्योंकि वो मेरे पापा ने लिखी है और मेरे पापा राइटर है, वो अगर इस कविता को अपने ढंग से सुनाते तो मैं भी बहुत ज्यादा अच्छे से सुना पाते, मैंने इतने अच्छे से नहीं सुनाया है। मैं ना यही चाहूंगी आगे से, मैं कोशिश करूंगी कि पापा ही उसको बोले हम ना बोल के, क्योंकि हमने इतने अच्छे से नहीं हम समझा पाए, तो मम्मी की थोड़ी हालत खराब है ना क्या, क्योंकि सेविंग नहीं जा पाते लोग, घर में ही रहते हैं, उनको शेविंग करनी नहीं आती। मेरे पापा को शेविंग करनी नहीं आती, देख लो उन्होंने कभी नहीं की घर में, थोड़ा अजीब भी लगता है ना। मेरे पापा ने हमारे सामने कभी शेविंग नहीं की और कभी ना ये भी नहीं करवाई एक बार पर पापा के साथ मतलब जहाँ पर पापा गए थे, करवाते हैं मतलब खुद नहीं की, खुद नहीं की मतलब शेविंग, मैं तो इनकी बात कर रही हूँ, मुस्टैश की बात कर रही हूँ, हमने मतलब क्लीन नहीं देखा, एक ही बार देखा था जिंदगी में जब हम बहुत छोटे थे, गलती से ना वो क्या बोलते हैं वो लग गया था, क्या क्या लग गया था, ब्लेड लग गया था, तो तब हमने एक ही बार देखा, हमने पापा को बिना मैंने नहीं देखा, मैं कहा थी जब पापा के मटन की का वो लग गया था, तो मैं तो उधर थी नहीं, मम्मी उधर थी मम्मी हमसे छोटी होगी शायद नहीं तो यार या तो मैं घर पे गई, पहले मम्मी के घर पे जाते, अभी मेरी नानी का फोन नहीं आया हुआ था, वो डर गई है कोरोना वायरस, वो डरी हुई है हमारी मम्मी, मैं तो समझा रही थी मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे से बात भी नहीं करती, कहते कोरोना कोरोना कर करके ना मेरा गला दुखने लग गया और मेरे को डर लगने लग गया, तो मैं उनको कह रही थी कि नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे से रहो खुश रहो, ऐसी कुछ नहीं है, जैसा भी होगा वो भगवान के मर्जी से ही होगा, और अभी दिल्ली में इतने मामले नहीं है। लाउड बोलो थोड़ा, मैं इतनी दूर खड़ी हूँ ऐसे ही बोलूंगी मुझे ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी की, अब तो पता है मेरे को मन में ही समोसों की खुशबू भी आती रहती है, पहले कह रही हूँ, अभी थोड़े टाइम पहले जब मैं जॉब करती थी ना, तो मैं ऑफिस में थी अपने, तो मैं ना ऐसी बैठी हुई थी, तो मुझे पता है कैसी खुशबू आई समोसे की, और साइड में कोई समोसे खा रहा था, पर मैं वहां से आ भी गई और मेरे को रस्ते में भी समोसे की खुशबू आ रही, उसी में इतना समोसा खाने का मन कर ना, समोसा बैठ गया था, मैंने इतना समोसा ढूंढा उस दिन, मेरे को समोसे की दुकान नहीं मिली कहीं, पर मुझे ना मन मन में इतनी तेज खुशबू आ रही, तो आप जान सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जब हम दिल से किसी चीज को मतलब सोचते हैं ना, तो हमारे दिलो दिमाग में ऐसा घर कर जाती है, तो ऐसे ही ना अभी लॉकडाउन में आप सोच लो, जैसे कि आप पिज्जा खा रहे हो, जैसे कि मोमोज खा रहे हो जिसका मोमोज खाने का मन है, या कोई सोच रहा हो डोसा खा रहे हो,
मतलब अच्छी अच्छी चीजें सोचो, मन में अपने आप बनती रहती है, सिर्फ मुंह में पानी आता रहता है। अब मैं सोच रही हूँ कौन सी चीज सोचूं। अब मैं ये भी तो सोच रही कौन सी चीज सोचूं। तू सारी चीजों पे ध्यान पड़ा मेरा। तू ना वो सोच ले क्या। ओ यस। अच्छा अपनी पसंद की चीज मुझे बता रही। ओ यस सोच ले। इसके पसंद की पता है क्या चीज है? क्या? मुझे नहीं पता खुद। फिर मेरे को भी नहीं पता। मैं आज बहुत ही ज्यादा बेहूदी लग रही। और मैं देखो कितनी अच्छी लग रही हूँ ना आज। कुछ नहीं बोलना तो वीडियो का एंड ही कर देते हैं। क्या करूँ अब, रात हो गई, 9 बज गए। आप लोगों को वीडियो भी पोस्ट करनी है और हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं पेपर। पता नहीं लॉकडाउन खुलेगा, क्या पता हमारे खुलते पेपर आ गए तो, है ना। तो इसलिए अभी आप लोगों को वीडियो भी मेरे को क्या बोलते हैं वो करनी है, भेजनी है। मतलब आप लोगों को आज है ना, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, आप लोगों को मेरे पापा की वीडियो कैसी लगी। उन्होंने वीडियो कह रही हूँ उनकी जो लाइनें मैंने प्रीवियस वीडियो में बोली है इस वीडियो से पहले, तो आप वो सुनिए और समझिए, कोशिश कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर कीजिए, मैं तो ये कह ही रही हूँ कब से, उस वीडियो में भी मैंने बोला है, पर जिसने नहीं देखी है मैं उन लोगों के लिए अभी बोल रही हूँ। तो प्लीज देखिए, शेयर कीजिए उस वीडियो को। मेरे पापा बहुत खुश हो रहे हैं उस वीडियो को बार बार देखे जा रहे हैं अपने आप ही। मेरे को खुशी हो रही है। और पता है मेरे को पापा ने दी तो ऊपर सोती दी तो इसको दी, ये नहीं बोल पाई, फिर मैं नहीं बोल पाई, और हमने 3 घंटे मतलब उस वीडियो को बोला। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं ना इतनी यावा बोलते ना जिस शब्द को यावा, इतनी यावा हो गई थी मैं बता नहीं सकती। मैंने हम दोनों ना इतने यावा हो गए थे, मेरे को रात को ना 2 बजे तक नींद नहीं आई। और मैंने इसको ऐसे सपने में भी बोलने के लिए बोला सीमू, और तो भैया जगी बड़ी कह रही, मेरे को पूछ रही उल्टा क्या हो गया। मैं बोली तेरे को क्या हो गया, कह रही यावा हो रही है। मैं इसको कह रही हाँ। और फिर ना मैंने रात को ना ऐसे यूं करा, मैं सोची थक के सो जाती, मैं यूं भाग लेती हूं। मैं इतनी एक्सरसाइज करी कूद के, पर मैं ना सच में बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा यावा होती कल। हाँ पापा ने इस कमरे में आए, कह रहे तुमसे 2 लाइनें नहीं बोली जा रही, इतनी छोटी सी तो वो है पापा। तो ना मैं पानी पी रही थी, सुनो अगर आज बोल देते तो शायद मैं तुम्हें दूसरी लिख के देता आज। फिर पापा ने ड्यूटी से भी फोन किया हमें सुबह, किसी और को दे दूं या तुम्हें बोलनी है, तो कह रहे रुक जाओ हम बोलेंगे। तो फिर है ना पापा इस रूम में आए ना, मैंने ऐसे करके ना मैं जग से पानी पी थी, मैंने जग ना ऐसे कर लिया। मेरे को सच में मैं इतनी यावा हो गई थी, एम्बेरस बोलते है जिसको यावा को, वो हो गई थी मैं, हम बता नहीं सकते ना। मैं ना सच में मैं एक रोटी खा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं ये रोटी भी कैसे खा रही हूँ। इसको पता है क्योंकि ये मेरे सामने थी जब मैं ये लाइन बोल रही थी। और ना हमने पनीर की सब्जी खानी थी, मतलब लास्ट सब्जी बची हुई थी वही हम दोनों खा रहे थे, इसके यावा के चक्कर में मैं पनीर खा गई, ये सारे पनीर खा गई। मैं कह रही हूँ एक भी पनीर नहीं बचाया इसने मेरे लिए, मेरे को वो एक जो मेरी बाइट रह गई थी ना मुझे यूं छोड़नी पड़ी, इतने यावा हो गए। आई राम मैं वो बात याद करती ना मेरे पेट में दर्द हो जाता सच में, बहुत ज्यादा मतलब एम्बेरेस हो गए थे हम। ऐसा लग रहा था जैसे पापा ने पहली बार हमें कोई काम दिया और हम वो नहीं कर पाए। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ भी, हमारे साथ तो हो गया। मैं मुझे कह रही थी तू बेइज्जती लग रही है ना, मैं कह रही हूँ लग क्या रही, अब तो हो गई हमारी बेइज्जती। हमारी लड़ाई कब हुई थी। मुंह से बना था, मुंह नहीं बनाई, सब मुंह ही ऐसा है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, जिस दिन ये हम में से कोई भी काजल नहीं डालता तो या तो लगता है लड़ाई होगी या फिर बुखार हो रहा है या कुछ ऐसा। लड़ते तो है ही नहीं कभी, हम सुबह लड़ते हैं तो 2 मिनट बाद मैं फिर लड़ लूंगी। तो मतलब हम तो खा के आ चुके हैं, खा लिया मैंने तो। आप बोल दोगे मेरे बच्चों को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कर दो भाई जो भी कुछ बच्चे कह रहे हैं। आप बोल के दिखाओ। मैं दोनों बच्चों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें सब सरकार सब सरकार कर दे, ये देख लो पढ़े लिखो सरकार दो सारे। सब्सक्राइब भी एक ऐसा शब्द होता है, देखो सही बोल दिया।
अब सही बोला। अरे वो तो मैं ऐसी मजाक कर रही, पढ़ी लिखी होके ऐसे हमें लज्जा रही है। लज्जाने की बात नहीं है, वो एक जैसे हिंदी में सरकाना कहते हैं किसी चीज को, ये भी तो आगे बढ़ाना ही होता है। हाँ तो बोलो सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब करे बस। इसमें तो कई अनोखी बात नहीं, वो तो मैं वैसे ही हो गया। लाइक करे, कमेंट करे, और जो मेरे बच्चों की वो क्या नाम है वीडियो अच्छी लगती है तो बोलो, मेरे हस्बैंड की वीडियो आपको कैसी, मेरे हस्बैंड की कविता आगे बढ़ाए। मेरी मम्मी ने तो बड़ी फाड़ फाड़ के फेंक दी थी, मेरे पापा बोलते हैं नहीं फाड़ फाड़ के नहीं फेंकती थी भाई, नहीं मतलब जो फाड़ के नहीं फेंकती थी, पापा बोलते हैं लेकिन ऐसा पुरानी हो गई थी, बच्चे छोटे थे उन्होंने कर दिया, हम छोटे थे हमने फाड़ फाड़ थी। और क्या बोलू, तो वो फाड़ी नहीं थी हमने, हमें क्या पता हमने मतलब करते रहते ना, लिखते रहते तो आदत बन। तो अभी भी ना कोई पुराना मतलब ऐसा कागज मिलता है तो नहीं है, अभी भी हमारे पास रखी है, बहुत सारी रखी हुई है, तो उसको पापा पढ़ते हैं ना दोबारा से, किया था तो मतलब उसमें दबी हुई है हमारे मतलब बुक्स में, मेरे बच्चों की बुक्स देखोगे ना आप, एक ही लड़की की इतनी सारी बुक्स है आप देखती रह जाओगे, इतने इंटेलिजेंट है भी नहीं जो हम कल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब सही है, अच्छे है सब बच्चे, चाय अच्छी। मम्मी आप इनसे कह रहे हो कल रात को हमें नींद भी नहीं आ रही थी। अरे वो थोड़ा इनके पापा की लैंग्वेज जैसे वो लिखते हैं बनाते हैं उस टाइप से मतलब उन्होंने बनाई हुई थी, मतलब हम नहीं बोल पाते उस नहीं तरीके बोल से। पाते ना उस तरीके से, वो उनके भाषा शब्द थोड़ी अलग होती है, जो राइटर होते हैं, राइटर तो नहीं है इतने बड़े लेकिन थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं। पर आप लोग बनाना चाहो तो बन सकते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर करोगे तो, नहीं आपको अच्छी लगे तो करना वरना नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कर देना ले कह रही उधर से आऊंगी मैं थोड़ी सी। अरे सीधू कर, चलो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो हमें अच्छा लगता है, ये भी एक हमारे घर की एंजल है छोटी सी, एंजल डरा रही, कितनी डरा रही एंजल, ये आज मेरी मम्मी का रूप आ गया सामने, मेरी मम्मी ने मुझे डेंजर कह दिया, मन की बात बता दी है, मन की आवाज नहीं बड़ी है, छोटी है सबसे हमारे घर में सबसे छोटी है, छोटी तो मैं भी हूँ, तो बड़ी है मैं क्यों बड़ी होती भाई, जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत प्यारा होता है, अरे ये बहुत प्यारी प्यारी बातें भी करती है। पहले ना मैं छोटी थी ना तो ना मैं यूं बोलती थी कि तुम ना मेरी बात पे नहीं हंसते, क्योंकि ये ना बहुत अजीब अजीब बातें करती थी तो इसके बाद पे हंसते थे, अब मैं इतनी अजीब गरीब बातें करती ना, अजीब और गरीब, तो ये सब हंस हंस के पागल हो जाते, ये यूं बोलती थी कि सारे तेरी बातों पे हंसते हैं मेरी बातों पे नहीं हंसते, तो मैं क्या करूं, मैं अच्छी बात बोलती थी। एक दिन तूने भी तो करा था मेरे साथ ऐसा, क्या वो क्या नाम है वो कल की वीडियो में बताएंगे, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, कल तो इसलिए आपसे मिलते हैं कल, तो रोज ही मिलते हैं हम, बाय बाय, खुद ही बाय कर रही है, मेरे को नहीं लिया ना मम्मी को लिया, बाय।